जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे जो पॉलीमर बेस्ड पिस्टल हैं, यानी पॉलीमर यानी प्लास्टिक से बनी हुई पिस्टल होती हैं, उनका कंपैरिजन करेंगे हम मेटल से बनी पिस्टल से, यानी दोनों में से कौन सी अच्छी होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से आ रहा था कि स्टील बेस्ड या कहें मेटल बेस्ड पिस्टल अच्छी होती हैं या फिर प्लास्टिक यानी पॉलीमर से बनी पिस्टल अच्छी होती हैं, दोनों में से क्यों अच्छी होती हैं, क्या कारण है, क्या नुकसान है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरी अंत तक जरूर। तो सबसे पहले करते हैं वेट जो है उसको एक तरीके से बेस मानते हुए। तो सबसे जो कम वेट होता है वो पॉलीमर बेस्ड जो पिस्टल होती है उनका होता है, क्योंकि जो पॉलीमर पिस्टल होती है उसका फ्रेम जो है पॉलीमर से बना होता है, उच्च क्वालिटी का पॉलीमर होता है वो, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जो पॉलीमर से बनी हुई पिस्टल होती है उसका वजन कम होता है, वहीं जो मेटल से बनी हुई पिस्टल होती है उसका वजन ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से अगर आप उसको, आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ आपको हर वक्त अपने पास जो है स्टील से बनी पिस्टल रखनी है या कहें मेटल से बनी एलॉय से बनी पिस्टल रखनी है, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। तो जो वेट के हिसाब से पॉलीमर बेस्ड जो पिस्टल है वो हमेशा इजी टू कैरी होती है। तो इस मामले में अगर आपको चाहिए कि वजन कम चाहिए तो आपको पॉलीमर बेस्ड पिस्टल ही खरीदनी। दूसरा है मैगजीन। तो मैगजीन के में कितने राउंड आ जाते हैं, अगर आपको ज़्यादा राउंड वाली पिस्टल चाहिए तो आप हमेशा पॉलीमर बेस्ड पिस्टल ही खरीदिए। क्यों खरीदिए, क्योंकि जो पॉलीमर बेस्ड पिस्टल होती है उसकी जो मैगजीन कैपेसिटी होती है हमेशा ज़्यादा होती है जो स्टील बेस्ड या मेटल एलॉय से बनी हुई पिस्टल होती है उससे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो हम जो आपको बता रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड के हिसाब से कंपैरिजन करके बता रहे हैं। लेकिन भारत में अब क्या है, ग्लॉक भी आ गई है, तो उसके साथ जो मैगजीन कैपेसिटी आती है वो थोड़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि वो पॉलीमर से बनी होती है ग्लॉक पिस्टल मोस्टली, तो इसी वजह से उसमें मैगजीन ज़्यादा आती है। तो मैगजीन कैपेसिटी के हिसाब से आप देखें तो आप हमेशा पॉलीमर बेस्ड जो पिस्टल होंगी उनमें ज़्यादा राउंड आते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस, हथियारों से रिलेटेड, इंडियन आर्मी से रिलेटेड, भारत की जो विदेश नीति है उससे रिलेटेड जो है वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। है कॉस्ट। कॉस्ट जो होती है वो पॉलीमर बेस्ड पिस्टल की कम होती है, वहीं जो मेटल से बनी हुई पिस्टल होती हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि मेटल जो है थोड़ा महंगा होता है पॉलीमर से। तो इसी वजह से हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट की, भारत में इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, बल्कि पॉलीमर बेस्ड जो पिस्टल है वो और ज़्यादा महंगी हो सकती है। तो हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो जो पॉलीमर बेस्ड पिस्टल होती हैं वो सस्ती होती हैं जो स्टील मेड या कहें मेटल मेड जो पिस्टल होती हैं उनसे। अब जानते हैं फोर्थ, यानी ड्यूरेबिलिटी, यानी कौन सी ज़्यादा टिकाऊ और मजबूत होती है। तो आजकल का जो पॉलीमर आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत आ रहा है, लेकिन जो स्टील मेड या कहें मेटल मेड पिस्टल होती हैं उनकी बात ही अलग होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं और उनकी जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन भारत में अगर आप पॉलीमर बेस्ड पिस्टल खरीदते हैं तो उसकी भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, इसका कारण ये है कि भारत में जो है आपको मात्र 200-300 कारतूस मिलते हैं एक साल में, तो आप उनको फायर करने से कुछ भी नहीं बिगड़ता है 200-300 फायर करने के बाद। लेकिन अगर आप अमेरिका या कनाडा में हैं तो वहाँ पर आपको हजारों लाखों कारतूस भी फायर कर सकते हैं, और कई जो ग्लॉक पिस्टल हैं उन्होंने 50-50, 60-60 हज़ार कारतूस भी फायर करे हैं। लेकिन जो मेटल से बनी पिस्टल होती है उसकी बात ही अलग होती है, वो कई सालों बाद, कई दशकों साल बाद भी ऐसा ही काम करती है जैसे वो पहला करती है। जो है वो है रिकॉइल कंट्रोल। जो रिकॉइल कंट्रोल होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंट्रोल होता है जो मेटल पिस्टल होती है उसके अंदर, क्योंकि मेटल जो पिस्टल है उसमें वजन होता है, तो इसी वजह से जब आप फायर करते हैं तो रिकॉइल के साथ पिस्टल जो है उसका जो बैरल है थोड़ा ऊपर जाता है, दोबारा फायर करने के लिए आपको फिर से पोजीशन में लाना पड़ता है। तो जो स्टील बेस्ड होती है उसमें बैरल बहुत मामूली सा ऊपर जाता है, लेकिन जो पॉलीमर बेस्ड है उसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। लेकिन इसमें आपको एक प्रोफेशनल शूटर ही आपको डिफरेंस बता सकता है, जो आम शूटर है वो इसमें डिफरेंस नहीं बता सकता है। तो जो रिकॉइल जो होता है बेस्ट कंट्रोल होता है और मेटल पिस्टल में, और मेटल पिस्टल थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है पॉलीमर बेस्ड पिस्टल। तो यही कुछ डिफरेंस थे इन दोनों के बीच में। वैसे तो दोनों ही पिस्टल के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। वहीं जो प्रोफेशनल शूटर है हमेशा कंसीडर करता है जो मेटल
पिस्टल है। वहीं जो पुलिस फोर्सेज हैं, ऐसे जो जवान होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा समय तक अपने साथ पिस्टल को रखना पड़ता है, तो हमेशा जो है पॉलीमर बेस्ड पिस्टल को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका वजन कम होता है, तो आप आसानी से इसको ज़्यादा समय तक ले जा सकते हैं। थोड़ा सा वजन भी क्या होता है, मैटर करता है, जब आप हमेशा उसको अपने साथ रखते हैं, टांग के रखते हैं, तो हमेशा क्या है, तो उसका अगर 200-300 ग्राम वजन भी ज़्यादा है तो वो भी मैटर करता है। तो इसी वजह से जो है आम शूटर जो है वो पॉलीमर पिस्टल के साथ अधिकतर जाते हैं। वहीं दोनों ही पिस्टल आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। बहुत से लोग मेटल पिस्टल को पसंद करते हैं, बहुत से लोग जो है पॉलीमर पिस्टल को पसंद करते हैं, और आज के ज़माने में जो पॉलीमर बेस्ड पिस्टल हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट आने लगी है, क्योंकि इस पॉलीमर के जो फील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है। तो अब पूछते हैं आपसे एक क्वेश्चन, आपके हिसाब से दोनों में से कौन सी पिस्टल अच्छी रहेगी, मेटल पिस्टल या पॉलीमर बेस्ड पिस्टल? आपकी क्या चॉइस है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा लें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।